उधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वालों की पटियाला तो सांसद परनीत कौर से वड्डी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, परनीत कौर नूं पार्टी चो सस्पेंड कर दिता गया। उन्होंने नोटिस जारी किया गया तो पूछा गया कि क्यों ना उन्होंने पार्टी चो बाहर कर दिता जाए। थानू दस दिए कि परनीत कौर से पार्टी विरोधी सरगर्मियों का इल्जाम लगे। उन्होंने तीन दिन के अंदर जवाब जो है उन्होंने मंगया गया कि जो जो थोड़े ते इल्जाम लगे ने, ये नोटिस भी असं तुहानू पढ़ के सुना दें, जिस दे विच सीधे तौर के उत्ते लिखा गया है कि राजा वड़िंग दे वलों जो पंजाब कांग्रेस के मौजूदा प्रधान ने उन्होंने तुहाडी शिकायत भेजी है, जिस दे विच लिखा गया कि तुसीं जो है पार्टी विरोधी सरगर्मियों के लगे हुए हो, बीजेपी के नाल मिलकर पार्टी का जो है अक्स बिगाड़ रहे हो, इसलिए क्यों ना तुहाडे ते जो है कोई अनुशासनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हले फिलहाल पार्टी चो सस्पेंड कर दिता गया तो जे तीन दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देंगे या फिर कोई ढुकवा जवाब नहीं देंगे तो उन्होंने पार्टी चो बाहर कर दिता जाएगा, यह किया गया। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने लिए साडे सहयोगी संदीप सिंह साडे नाल जुड़ गए हैं फोन लाइन से। संदीप जी, गल की जाए तो लगातार परनीत कौर से कार्रवाई दी गल्लां जो ने कही जा रही सन, तो हुण कार्रवाई हुई है पर पार्टी चो बाहर नहीं कढ़िया गया हले। जी बिल्कुल गुरप्रीत, दस दिए कि लगातार जो गल की जाए तो परनीत कौर के उत्ते जो जरा गतिविधियां जी उन्होंने बीजेपी के चलते हुए जो नजर आ रही थी कितना कितने, हालांकि जो तो पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के शामिल हुए थे तो उसके बाद जरूर कांग्रेस के ये गतिविधियां उठना शुरू हो गई थी कि बीजेपी के अगर उन्होंने जोड़े पति ने और अगर बीजेपी जाते हैं तो उन्होंने भी कितना कितने बाहर रस्ता दिखाने की गल है सामने आ रही थी, पर जिसके चलते हम एक्शन जोड़ा वो जरूर दिता गया, नोटिफिकेशन कर दिता गया दिल्ली तो कि परनीत कौर के विरुद्ध जो तीन दिन का उन्होंने दिता गया नोटिस कि तीन दिन के अंदर अंदर तुम अपना दसो कि जोड़े गतिविधियां की जा रही है कि नहीं, कि थानू पार्टी तो कि बाहर कढ़िया जाए। तो जरूर यह गल की जा रही है तो जरूर देखा यह भी गया कि लगातार जेकर गल की जाए तो जरूर यही गल सामने आ रही थी कि परनीत कौर में जरूर पार्टी की जी गतिविधियां हो रही ने, पार्टी विरुद्ध जी गतिविधियां करते हुए परनीत कौर नजर आ रहे हैं उस संदीप की भी कोई चर्चावां चल रही ने कि वह बीजेपी शामिल हो सकते हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहला ही बीजेपी शामिल हो गए ने। जी बिल्कुल, कितना कितने गल जो निकल के सामने आई थी कि जो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बीजेपी ने जो ज्वाइन किए तो उस तो बाद उन्हों का भी कितने ना कि नाम जो निकल के सामने आ रहा है, हालांकि हले तक कांग्रेस के जो तक उन्हों का नहीं निकाला जाता तो उस तो पहला यह कहना मुश्किल होगा कि कदों जो उन्होंने ज्वाइन करना, हालांकि जो तो कांग्रेस वालों उन्होंने जो पार्टी के गतिविधियों को देखते हुए जो कढ़िया जाएगा तो कितना कितने उस तो बाद जरूर जो परनीत कौर ने वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी 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 संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सो जिस तरह के नाल जानकारी मिल रही थी पहला तो ही खदशा जो है जताया जा रहा है कि परनीत कौर जो कि पटियाला तो कांग्रेस के मौजूदा सांसद ने उन्होंने उत्ते कार्रवाई हो सकती है क्योंकि वो लगातार उन्होंने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हों की धी जो है जय इंदर कौर वो पहला ही बीजेपी के शामिल हो चुके हैं, तो यह इल्जाम उन्होंने लगाया गया कि वह भी बीजेपी के नाल मिलकर जो है पार्टी विरोधी सरगर्मियां पंजाब दे विच चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया गया। तीन दिन का समा दिता गया कि आखिर जवाब दो, जे ढुकवा जवाब नहीं मिलता तो पार्टी चो बाहर का रस्ता भी उन्होंने दिखाया जा सकता है।